दोस्तों स्वागत है आपका मेरे लड्डू गोपाल जी और मेरे शालिग्राम जी के चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगाना, जो भोग लगाने में मैंने जो लड्डू बनाए हैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये आटे से और ड्राई फ्रूट से बने हुए कंप्लीट ताकतवर लड्डू बनाए हैं मैंने। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है बादाम, टुकड़ा काजू और गिरी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर गिरी इस तरीके से पॉलीथीन में रैप करके रखी हुई है फ्रिज में। ये 250 ग्राम की गिरी का पैकेट है। आप इस तरीके से साफ़ करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका मन करे कि अब लड्डू गोपाल जी के लिए कोई मिठाई बनानी है तो आप इस तरीके से गिरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खरबूजे की गिरी भी बोली जाती है इसे। और ये मैंने लिया है टुकड़ा काजू, ये भी 250 ग्राम है। और बादाम लिया है मैंने, ये भी 250 ग्राम है। तो फ्रेंड्स ये बादाम आप देखिए, इस तरह से साबुत बादाम को मैंने बीच में से काट लिया है और काट के मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। मैंने परात में निकाल लिया तीनों चीज़ को। तो फ्रेंड्स ये आप और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और गिरी डाला है। साथ में आप सूखा नारियल, मखाने, ये सब भी ऐड कर सकते हैं। तो ये टोटल यहाँ पे मैंने लिया है 750 ग्राम ड्राई फ्रूट्स 1 किलो आटे के लिए। और यहाँ मैंने लिया है 1 किलो आटा। 1 किलो आटे का मैं हलवा लड्डू बनाऊँगी, तो 1 किलो आटे में 1 किलो घी ही लगेगा। ये देखिए मैंने आपको दिखाया है, ये 1 किलो आटा है और ये 1 किलो घी का पैकेट है। इससे हम आज अपना लड्डू बनाएंगे। तो फ्रेंड्स 1 किलो आटे में मैंने 1 किलो खांड का इस्तेमाल करना है। ये देखिए आप, देसी खांड है ये। तो दोस्तों इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं पूरा 1 किलो खांड इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं इसमें से 2 कटोरी कम यूज़ करूँगी। पूरा तेज मीठा हम नहीं खाते हैं, तो बाकी आप जैसे खाएंगे आप उतना मीठा ले सकते हैं। डलता वैसे 1 किलो में 1 किलो ही है खांड, अगर 1 किलो आटा है तो 1 किलो खांड ही डलता है, लेकिन हम ज़्यादा तेज नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म करके उसमें घी डाल दिया है, पिघलने के लिए रख दिया है मैंने घी को। ये देखिए मैं अभी सारा आपके सामने ही निकाल रही हूँ, पूरा 1 किलो घी यूज़ हो जाएगा इसमें। और जो भी घी अभी पैकेट में रह गया है ये वाला मैं बाद में पिघला के इसमें ऐड कर दूंगी। अब फ्रेंड्स मैंने इसे गर्म होने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर, ये घी जो है वो गर्म हो जाए, पिघल जाए। जब पिघल जाएगा तब मैं इसमें आटा ऐड करूंगी। देखिए घी अच्छे से मेल्ट होने लगा है और इसकी हीट भी अच्छी हो गई है। तो मैं अब जितना रिक्वायरमेंट होगा, ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा आटा है, तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने इतना छोड़ दिया है इसमें, इतना मैंने छोड़ दिया है। इस तरह से हम इसको चला लेंगे। ये आपको लग रहा होगा कि अभी गांठे हैं, ये गांठे अभी आराम से खुल जाएंगी। इधर का जो हैंडल है ना ये बहुत गर्म होता है, इसको आप किसी कपड़े से ही पकड़िएगा। अब ये बहुत स्मूथली चल रहा है, ये देखिए ये बहुत स्मूथली चल रहा है। थोड़ा सा हम इसमें और ऐड कर देंगे। हमें इसे अच्छे से भुनना होगा। अभी देखिए अभी तो बिल्कुल कच्चा है ये, इसका कलर भी चेंज होगा और अब इस धीरे धीरे फिर इसमें से खुशबू भी आने लगेगी, तब आपको पता लग जाएगा कि हलवा जो लड्डू जो है उसमें कलर आ गया है, आटा भून गया है। मैं अब लगातार इसे चलाऊंगी, ये 15 से 20 मिनट तो अभी इसमें लगेंगे।
आप इसको ऐसे ही मिक्स करते रहिएगा क्योंकि थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो अपना अच्छे से टाइम दीजिएगा इसे बनाने में। देखिए अब 10 मिनट हो गया है, मुझे इसी तरह से चलाते चलाते आप इसको नीचे से ऊपर तक ज़रूर घुमाइएगा। ये कंप्लीट ड्राई फ्रूट वाले लड्डू हैं, कंप्लीट ताकत होती है इसमें, और लड्डू जी गोपाल जी का भोग लगाने के बाद तो वैसे ही ये आपके बच्चों के लिए एकदम पावर वाला ड्राई लड्डू बन जाएगा। क्योंकि आप रोज़ जब भी आपको भोग लगाना हो ना सुबह उठने के बाद, दूध के साथ आप इसे दे सकते हैं लड्डू गोपाल को। ये देखिए अब बीच बीच में ना डार्क होने लग गया नीचे से, तो आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी से भी हाथ चलाइएगा क्योंकि अब सिकने लग गया है, ये आटा गर्म हो गया है तेज। अब पूरे 10 से 12 मिनट हो गए हैं मुझे इसे हिलाते हिलाते, अभी भी ये बहुत कच्चा है, टाइम लगेगा अभी भी इसमें। फ्रेंड्स आपके पास थोड़ी बड़ी कढ़ाई हो ना तो आप उसमें ही बनाइएगा, क्योंकि मेरे पास तो बड़ी कढ़ाई नहीं है तो मैं इसमें बना रही हूँ। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है लड्डू गोपाल के लिए लड्डू बनाना, उनके लिए फ्रूट क्रीम बनाना, फ्रूट्स के साथ मिला के क्रीम, फ्रूट क्रीम वाला। और मैं उनके लिए ना थोड़ा सा बेसन के लड्डू भी बना देती हूँ सिर्फ गिरी डाल के। तो ये सब चीज़ें आपको ना घर में बनाते रहना चाहिए, इनको कुछ भी मतलब आपको यूँ नहीं लगेगा आज मैंने खाना नहीं बनाया तो मैं क्या दूँ, आप उनको एक गिलास दूध और लड्डू दे दीजिए, मीठा परांठा बना दीजिए, गुड़ का परांठा बना दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और सर्दी में तो आप इनको गुड़ का और सफ़ेद तिल आते हैं ना उसका परांठा बना दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी बहुत होता है। गोपाल जी ऐसे खाना खा के खुश होते हैं, आप अपने मन से जो भी बनाओगे लड्डू गोपाल को बहुत अच्छा लगता है। अब पूरे भाव से मन से उनके लिए बनाओगे ना तो देखना इसका कलर कितना प्यारा आएगा लड्डू का, आप अभी देखिएगा मैं बना रही हूँ, बहुत अच्छे से बनेंगे आपके लड्डू। और जब कोई खाएगा क्योंकि ये प्रसाद हो जाएगा, आप भोग लगा के एक बार और इसमें मिक्स कर दीजिएगा, फिर जब आप किसी को खिलाएंगे तो सब बोलेंगे आपके लड्डू बहुत स्वाद बने, वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये भोग है। अब उनको आप बताइएगा क्योंकि मैंने भोग लगाया है तो प्रसाद बन गया, अब ये प्रसाद है लड्डू गोपाल का, हम तो वही खाते हैं जो वो हमें खिलाते हैं। फ्रेंड्स देखिए अब इसका कलर कितने अच्छे से चेंज होने लग गया है, पहले आपने नोटिस किया होगा, आप थोड़ा सा ना रिवर्स करके देखिएगा, पहले का जो आटे का कलर था उससे अब आटे के कलर में काफ़ी चेंज आ गया है। और अभी हमें और भी भूनना है, जितना अभी कलर आया है हमें ये कलर ब्राउनिश मतलब थोड़ा ब्राउन होने देना है, इतना लाइट नहीं रखना है, हमें थोड़ा इसे ब्राउन होने देना है। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये देखिए कितना हल्का हो गया है आटा, बिल्कुल ये कलर चाहिए हमें। अब 102 मिनट तक और मैं चला लूँगी, थोड़ा सा डार्क और होने दूँगी बस। ये देखिए ये कलर चाहिए हमें फ्रेंड्स, इससे डार्क होने दिया तो ये काला रंग में आ जाएगा, ये एकदम एक्यूरेट कलर है। ये देखिए हलवा एकदम इजीली सरक रहा है, ये देखिए और मेरा हाई फ्लेम पे बन रहा है ये,
बहुत इजीली बन रहे, देखिए आप, है ना। अब हम इस टाइम पे इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, मैंने देखो गैस जो है, ये जो मेरी गैस है मैं इसको बंद कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे से भुन गया है और मैं एक प्लेट ले लूँगी जो बिल्कुल कढ़ाई के नाप की है, क्योंकि जैसे ही मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी ना, ये देखिए, अब इसको थोड़ा बहुत चलाती रहूँगी मैं, क्योंकि जैसे ही मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी ना चटकेगा, गिरी है इसमें, गिरी होने की वजह से ये चटकेगा। तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, इस टाइम गरम गरम में ही अच्छे से भुन जाएंगे ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए गिरी की चटकने की आवाज़ आ रही है। सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें इतने अच्छे से भुन जाएंगे ना, बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी आपको भी आवाज आ रही होगी, ये कलर एकदम एक्यूरेट आया है। देखिए आप, बहुत अच्छा कलर आया लड्डू का। आते ना मैं इसमें, अब ये गर्म है, बहुत गर्म है, मैं इसमें ना खांड को बुरका देती हूँ, क्योंकि देखिए हमें मीठा जो है वो पूरा 1 किलो, अगर आपके घर में डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आप पूरा 1 किलो डाल दीजिएगा। अब मैंने 1/2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है और ये बचा लिया, क्योंकि मेरे घर में ये डायबिटिक हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं थोड़ा उनके हिसाब से भी देखूंगी और मैं इसमें फैला लूँगी इस तरीके। ये ठंडा होएगा तब इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी जब मैं मिक्स करूँगी। अब एक बार नीचे से ऊपर तक ले आते हैं, क्योंकि बहुत गर्म है कढ़ाई, कभी नीचे का जो तला है वो लग ना जाए। तो देखिए अब ये बिल्कुल गर्म है, गर्म नहीं है, अब ये छूने लायक है, ठीक है। हमें जब ये छूने लायक हो जाएगा जब हम इसमें ऐड करेंगे खांड, क्योंकि जितना गर्म होगा फिर ये खांड में से पानी छूटने लग जाएगा, इस वजह से जब ये ठंडा हो जाता है तब हम इसमें मिक्स करते हैं। अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी फिर आपको दिखाऊँ। अब परात में मैंने सारा भुना हुआ आटा और खांड को मिक्स कर लिया है अच्छे से, बिल्कुल जब हाथ लगाने लायक हो जाएगा जब ही आप कीजिएगा, वरना आपके हाथ जल सकते हैं। अब इस तरीके से मैं दोनों उंगलियों से दबा दबा के लड्डू बोच लूँगी। ये देखिए आप,
तो फ्रेंड्स ये देखिए इतने सारे लड्डू बनके तैयार हो गया है, क्योंकि हमने इसमें लिया है 1 किलो आटा, 1 किलो घी और 800 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, तो फ्रेंड्स और 700 ग्राम के करीब मैंने इसमें खांड डाला है। तो फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी लड्डू बने हैं, और जब भोग लगाने के बाद इसमें आप मिक्स कर देना और ये प्रसाद की तरह आप सब खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस देखने के लिए कि मैं क्या लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, तो आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। और इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।